कांग्रेस का दिग्गज नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि राज्य गठन 22 साल के बाद भी आम जनता के मूल भावनाओं के अनुरूप राज्य विकसित नहीं हो गया है। प्रदेश में पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी सहित बुनियादी सवालों पर आज भी हालत गंभीर है। वहीं वर्तमान सरकार के 6 वर्ष पूरे होने को है, और लेकिन सरकार वर्तमान समय में सरकार का रोड मैप जनता के सामने नहीं है और जनता परेशान है। उन्होंने जनता से अपील की है कि जनता सरकार से जवाब मांगे और जनहित में कार्य करने वालों को आगे बढ़ाए। बहुत बड़ी रोटें तमाम कठिन, इसलिए पलायन को रोकने के लिए इन्होंने आयोग बनाया। उस आयोग की क्या काम किया इतने वर्षों में, क्या उनकी नीति बनी, क्या उन्होंने योजना बनाई, क्या उन्होंने सुझाव दिए, ये किसी को पता नहीं है। पलायन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य की व्यवस्था कहीं पर कुछ नहीं है। जितने यहाँ पर मरीज आते हैं उनको रिफर कर दिया जाता है हल्द्वानी, हल्द्वानी वाले दिल्ली ऋषिकेश को रिफर कर दे रहे हैं। सारे हमारे अस्पताल रिफर सेंटर बन गए हैं। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।